किसान वीरो ज़रात दुनिया का वह दो शुभ है जो पूरी दुनिया को टुकर देता है। पूरी दुनिया की रोटी ज़रात नाल मुंसलिक है। कोई बंदा आईफोन बना रहा है, कोई बंदा ट्रेन बना रहा है, कोई बंदा कोई भी टेक्नोलॉजी बना रहा है ना, वो रोटी खाता है, कोई ना कोई खुराक लैंदा है और वो जमीन चो निकली जो खुराक होंगी वह फ्रूट हो, सब्जी हो। इस वास्ते पूरी दुनिया को ज़रात की जरूरत है और असी अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करने हैं कि असी इस शोभे नाल मुंसलिक हैं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इंशाअल्लाह ताला साड़ी इकोनमी जदों भी दुरुस्त होएगी वह ज़रात दे वल्लों खिड़की खुलती है दुरुस्त होण दी। अच्छा, पूरी दुनिया की ज़रात भी तब्दील हो गई है, मौसमी सूरत हाल तब्दील हो गई है, जंगा ने सूरत हाल तब्दील कर दी, सैलाबा ने सूरत हाल तब्दील कर दी और खुशकसाली ने सूरत हाल तब्दील कर दी, उस बाद टेक्नोलॉजी जी है उन्हें सूरत हाल तब्दील कर दी। ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं ये ज़रात को किधरे ना किधरे जाके अफेक्ट कर रहे होंगे, असर इन्हों का हो रहा होंगे। इस वास्ते अज के किसान वास्ते बड़ा जरूरी है कि वह इनफॉर्मेशन नाल भी उनका तलक होना चाहिए, मालूमात भी उन्हें होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होना चाहिए और पिछला तजर्बा भी ये मौजूद होना चाहिए। इस वास्ते असी ये चैनल बनाया थोड़े वास्ते ज़रिए मालूमात वास्ते और साड़ी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की ज़रात को बेहतर किया जाए। इस वास्ते रिसर्च बेस बहुत सारी चीज़ा असं थोड़े वास्ते लैके आने हैं, बहुत सारी चीज़ा साढ़े अपने तजुर्बात हैं, बहुत सारी चीज़ा जो किसानों के तजुर्बात हैं, इन्होंने सारी चीज़ों मिला के थोड़े वास्ते वीडियो लैके आने हैं। हुण जिस तरह अगे पाकिस्तान दे विच गंदम लाण का मौसम आ रहा है, गंदम कणक सारे दोस्त वो फसल लावण नूं तरजीह करते हैं जिंदा रेट ज़्यादा बेहतर हो। गंदम का रेट जिहड़ा है मेरा ख्याल तारीख सब तो ज़्यादा बुलंद सतह पर रेट खड़ा है। इस रेट की वजह नाल गंदम मैं समझना कि ज़्यादा एरिए लगेगी और गंदम लावण सब तो पहला मरला आता है कि असी बीज केड़ा लाना है। बीज लावण का मरला जिहड़ा है वो इंतहाई अहम होंदा है, इस वास्ते कि जिहड़ा मेन बीज ही अगर असी गलत ला लें तो फिर उनकी पैदावार किस तरह आएगी। पिछले साल के तजर्बे को अगर असी वेखिए तो मौसमी सूरत हाल हालांकि बहुत मुश्किल भी हो गई सी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके नाल मौसम ने साथ दिता और पैदावार बहुत अच्छी आ गई। हालांकि हनेर भी आए, कणक डिगी भी, उनके उत्ते गड़ा भी पिया, सारा कुछ होया, लेकिन फिर भी 50, 60, 70, 80, 90 मन तक लोगों की पैदावार आई और ये मेरा ख्याल तारीख दे विच सब तो ज़्यादा पैदावार इस पिछले साल असी चकी है 2023। हुण अगू 2024 की गंदम लग जाएगी, गंदम लगन का टाइम आ गया, इस वास्ते बड़ा जरूरी है कि असी वरायटीज़ तुहाडे नाल डिस्कस करिए। मैं वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद की जिहड़ी रिकमेंडेड वरायटीज़ हैं उन्हां दी एक लिस्ट मेरे कोल मौजूद है। कोई भी वरायटी का इंतखाब करने तो पहले ना 4-5 चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी होंदा है। एक पिछले साल में उन्हें की परफॉर्म किया उस वरायटी ने, उसका पोटेंशियल कितना है, उसकी जिहड़ा है किहड़े एरिए चो लग सकती है, ठीक है, और जेनेटिकली इम्प्योरिटी तो उन्हें नहीं है भी, यानी है तो प्योर, ये चंद चीज़ों का ख्याल रखना, लेकिन ये पहले नंबर पर आना है भी वो पोटेंशियल कितना है। असी जोड़ी वरायटी ला रहे हो अगर पोटेंशियल ही 50 मन हो, असी खाद 70 मन की पाई रखिए तो फायदा तो नहीं होगा। इस वास्ते अच्छी पोटेंशियल की वरायटीज़ की एक लिस्ट मैं थोड़े नाल शेयर कर रहा और इस बाद अगली वीडियो असी दसांगे भी पिछले साल कि वरायटीज़ ने बेहतर परफॉर्म किया, ठीक है जी। सब तो पहले है जी अरूज 2022 इनका नाँ है, इनका जड़ा जो ये वरायटी किसानों को दी गई 2022 और यदि जी सोइंग टाइम है यदा वक्त काश्त है वो है 1 नवंबर तो लैके 20 नवंबर तक इनू तुसी काश्त कर सकते हो और इहदा जिहड़ा पोटेंशियल है पैदावार का वो 76 मण है। तो ये जिवें रेनफेड एरियाज हैं तो इरीगेटेड एरियाज हैं, सारे इरीगेटेड एरियाज वास्ते रिकमेंडेड है, इनू तुसी लगा सकते हो, ठीक है जी। ये रोटी वास्ते भी बेहतरीन है, चपाती वास्ते भी बेहतरीन है, इहदे मटीरियल यानी कि बेहतरीन है। इस तो बाद आती है जी सुभानी 2021, ये 2021 किसानों को दी गई और इहदा जिहड़ा काश्त दा टाइम है वक्त है सोइंग दा वो है 5 नवंबर तो 20 नवंबर, इहदा पोटेंशियल 70 मण है। उस तो बाद आ जाती है MH 2021 जिहड़ी है इहदा पोटेंशियल 70 मण है और ये 2021 ही किसानों को दी गई। उस तो बाद आ जाता है दिलकश 2020, इहदा रिलीज़ टाइम या किसानों को जदों दी गई 2020 दी गई और इहदा वक्त काश्त जिहड़ा है वह 5 नवंबर तो लैके 20 नवंबर तक है। उस बाद आता है अकबर 2019 जी है वह 2019 ही किसानों को दी गई
और इहदा जिहड़ा वक्त काश्त है वह 20 नवंबर तो लैके 10 दिसंबर तक है। उस तों बाद आ जांदा अनाज 2017, इहदा रिलीज टाइम भी 2017 है और यह 1 नवंबर तो 10 दिसंबर तक तुसीं लगा सकते हो। इहदा पोटेंशियल भी 76 मान है, अकबर का पोटेंशियल भी 76 मान है और दिलकश का पोटेंशियल 71 मान है। अगे मतलब तुसीं वेख सकते हो कि पोटेंशियल जिहड़ा है वह हाले 76 मान से चल रहा है। उस तों बाद आ जांदा उजाला 2016, यह 2016 च रिलीज़ की गई और यह 1 नवंबर तो 20 दिसंबर तक लग सकती है। इहदा जिहड़ा पोटेंशियल है वह है 68 मान। उस तों बाद आ जांदी है जी सब तो जिहड़ी वड्डा ब्रांड है जिहड़ा जिहदा पोटेंशियल सब तो ज़्यादा है वह वरायटी है, वह नाम है गलैक्सी 2013। यह 2013 च दिती गई किसानों नूं, यह 1 नवंबर तो 10 दिसंबर तक तुसीं ला सकते हो और इहदा पोटेंशियल है 80 मान, 80 मन फी एकड़ तुसीं इहदे कोल पैदावार लै सकते हो। अगे आ रही 2011 है, 2011 च दिती गई फार्मरस नूं, इहदा 1 नवंबर तो लैके 10 दिसंबर तक है 67 मन दी एवरेज है और पोटेंशियल है इहदा। पंजाब 2011 है, 2011 च रिलीज़ होई 1 नवंबर तो 10 दिसंबर तक 70 मन पोटेंशियल। मिलत 2011 च रिलीज़ होई 1 नवंबर तो 10 दिसंबर तक ला सकते हो और इहदा जिहड़ा पोटेंशियल है उस 64 मन है। उस तों बाद आ जांदा लसानी 2008, ये 2008 च आई 1 नवंबर तो 10 दिसंबर तक ला सकते हो, 62 मान दा पोटेंशियल है। और उस तों बाद आउंदी सहर 2006, 1 नवंबर तो 10 दिसंबर तक ला सकते हो और 71 मान दा पोटेंशियल है। शफक 2006 च रिलीज़ की गई और 1 नवंबर तो लैके 20 दिसंबर तक 61 मान दा पोटेंशियल। AS 2002 1 नवंबर तो 10 दिसंबर तक ला सकते हो, 68 मान दा पोटेंशियल है। और SH 2002 जी 1 नवंबर तो 10 दिसंबर तक 70 मन पोटेंशियल है। उस तो बाद उकाबपुरा 2000 1 नवंबर तो 10 दिसंबर तक 70 मन पोटेंशियल। चिनाब 2000 70 मन पोटेंशियल तरीक हुई। इकबाल 2000 यदा पोटेंशियल बहुत घट है, 56 मान है, 1 नवंबर तो तुम ला सकते हो 10 दिसंबर तक। MH 97 1998 दी गई, ये 1 नवंबर तो 10 दिसंबर तक ला सकते हो, 70 मान का पोटेंशियल है। उस तो बाद कोहिस्तान 91 है, 97 1998 दी गई, 1 नवंबर तो 10 दिसंबर तक तुम ला सकते हो, 62 मान का पोटेंशियल है। उस तो बाद दुरम 97 1998 दी गई, 72 मान पोटेंशियल। डेट्स की जी है ना, स्विंग डेट या वक्त काश्त एक ही है। अगर शाकार 95 है 1996 दी गई, 60 मान पोटेंशियल। पंजाब 96 है 1996 दी गई, 68 मान का पोटेंशियल है। परवाज 94 1994 दी गई, इहदा पोटेंशियल 56 मान। और इस तरह इस लिस्ट दे विच काफ़ी जिहड़ा है ना वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद की जिहड़ी ये लिस्ट है, इहदे विच होर भी बहुत सारे पिछे करके मौजूद हैं जिहड़े कि मैं कुछ अगर अच्छे पोटेंशियल वाले बीज होए तो मैं तुहाडे नाल लाजमी शेयर करांगा। और देखो ये 3 इंस्टीट्यूट है, एक बरानी का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उस बाद एक एरड इंस्टीट्यूट है, ये सारे ने अपनी अपनी एक लिस्ट दी हुई है। ये मैं थोड़े नाल जिहड़ी लिस्ट शेयर की है वो मैं की है जनाबे वाली वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद की। अगर असी करिए गल बरानी की या असी गल करिए जनाबे वाली उनकी एरड की, उन्होंने होर भी ये दिते हैं, जिमें एरड दे विच फखरे बकर भी है और उस इलावा भी 2-4 ऐसे बीज हैं जिहड़े लोग बहुत ज़्यादा शौक नाल काश्त करते हैं और उन्होंने पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इस वास्ते मैं उम्मीद करना कि वीडियो तुहाडे वास्ते फायदेमंद साबित होगी और अगली वीडियो च असीं ये फैसला करांगे कि सानू किहड़ी लानी चाहीदी है या आम तौर पर किसानां ने साडा जदों असीं वोटिंग करवाई तो किसानां ने किहनूं वोट ज़्यादा दिता, किसानां ने क्योंकि किसान जिहड़ा है वह ही इहदा सब तों बेहतर जिहड़ा है दस सकता है ना वरायटी के हवाले ना, वो जो बंदे ने लाई है उन्हें कितनी खुराक पाई है, उसने किस तरह इनू वरायटी ऑबजर्व किया है, वरायटी ने परफॉर्म की किया है, वरायटी की यील्ड कितनी आई, ये सारे का सारा जो है वो साडा फार्मर बेहतर तरीके दस सकता है। मैं उम्मीद करना वीडियो तुहाडे वास्ते फायदेमंद हो साबित होगी। अगर वीडियो तुहानू पसंद आए दूजे लोगों नाल शेयर करो, सबसक्राइब कर दो चैनल, बेहद शुक्रिया।